हेलो वेलकम बैक टू माय हैेलकम चैनल और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का न्यू शेड्यूल यहां पर बन चुका है और इस न्यू शेड्यूल के अंदर न्यू थिंग्स भी ऐड हो चुकी है तो आपको बताना चाहता हूं कि आज से जो आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है ये देखो न्यू शेड्यूल आपका जो पार्टनरशिप वाला पोर्शन है सीएमए इंटर का जो हम पार्टनरशिप वाला पोर्शन कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग फुल फुलजेड फिफ्टीन मार्क्स का टारगेट लेके चले कि भाई मिली जाना चाहिए बस तो वो हम लोग साढ़े से आठ करने वाले डेली होगा ये सेशन साढ़े छह से सात के बीच में ऑब्वियसली चालू होगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बिकॉज ऑफ माय ऑफिस ठीक है और ये आठ बजे तक ही चलेगा आठ बजे से नौ बजे तक हमारा डेली अब चलने वाला है कुछ दिन तक कितने दिन तक जितने दिन तक हमारा ये कंप्लीट हो जाए कौन सा सीएमए इंटर की पावर बैंक सीरीज ये वॉट डू मीन बाय पावर बैंक सीरीज भैया तो पावर बैंक सीरीज मतलब तुम लोगों को भी पता है डूबते को तिनके का सहारा लाइट गोल होती तो पावर बैंक से मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं वैसे ही जब एग्जाम आएगा एग्जाम में टफ आ रहे हैं कभी भी सिक्सटी मार्क्स वाला पोर्सन हमको बन रहा है नहीं बन रहा है अच्छे से बन रहा है नहीं बन रहा है वो सब हमको नहीं पता बट वी आर गोइंग टू सिक्योर अवर फोर्टी मार्क्स इन द वन मार्कर क्वेश्चन और वो मैंने फुल फ्लैजेड आप लोगों के लिए बनाया है चैप्टर वाइज तो जैसे यहाँ पर देखो सामने रॉयल्टी का है बाकी भी बन चुके हैं टेंशन मत लो ठीक है कुछ के एमसीक्यू सिलेक्ट हो गए हैं बट वो अभी फॉर्मेट में डालना बाकी है कुछ के बन चुके हैं रेडी है तो जैसे जैसे सेशन होते जाएगा आप लोगों को ये पीडीएफ में प्रोवाइड करते जाऊंगा इसके साथ में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे भैया नोट्स दो पार्टनरशिप का नोट दो इसका उसका तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने एक प्रॉपर गूगल ड्राइव में फोल्डर ही बना दिया है सीएमए इंटर नाम का और उस फोल्डर के अंदर सीएमए एम इंटर के जो भी नोट्स होंगे मैं ऐड करते जाऊंगा मेरे साइड से तो जब भी आपको ऐसे लगेगा यार कोई चीज का नोट चाहिए आप उस फोल्डर में जाके देखना तो वो आपको मिलेगा मैं नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ तो उसी के अंदर पार्टनरशिप का भी आपका नोट है अभी ठीक है अभी आप जाके तुरंत ले सकते हो उसके अंदर में ही मैं एमसीक्यूज के भी जैसे जैसे सेशन होते जाएगा हमारा वैसे वैसे मैं पीडीएफ को अपलोड करते जाऊंगा तो आप उधर से लेके अगर आपको प्रिंट आउट भी करवाना है तो आप करवा सकते हो आप सोच रहे हो भैया तो आंसर लिखा है मिनिमम ऑन प्रोडक्शन यहां तो आंसर लिखा हुआ है तो ये तो भैया कैसे करेंगे हम लोग तो बेटा आंसर जब आपको पीडीएफ मिलेगा या जब लाइव स्ट्रीम होगी तब आंसर यहां से गायब हो चुके होंगे मतलब जो आंसर बोल्ड में है वो वहां से हट जाएंगे ठीक है और आंसर आपके हर चैप्टर के लास्ट में जैसे मान लो ये चैप्टर हमारा कहा खत्म हो रहा है रॉयल्टी के अंदर मैंने डायलेट इन टोटल 54 फोर एमसीक्यू तो 54 एमसीक्यू होने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक बॉक्स बना होगा

क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में थोड़ा और टाइम है तुम्हारा जुलाई में इनका एग्जाम जून में तो अभी थोड़े इंटर वालों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देते हैं एक्चुअल में क्या होगा पार्टनरशिप को भी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी जब एडमिशन रिटायरमेंट आएगा तो पंद्रह पंद्रह लेक्चर लग जाएंगे उसमें तो उस टाइम पे पावर बैंक सीरीज के साथ में जब ये वाला पावर बैंक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो ये टाइम इनका मर्ज कर दिया जाएगा तब तक तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट चालू हो जाएगा अकाउंट कंप्लीट होगा फिर एक बार में हम इको को पूरा कर लेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो उससे क्या होगा आप घर में बैठ के पूरा सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को ठीक है आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग तो है क्योंकि वीडियो सीएमए फाउंडेशन के पूरे डले हुए हैं चैनल के ऊपर तो आप पूरे लेक्चर देख लो जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी वो हो जाएगी उसके बाद तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो फिर लाइव सेशन में आकर डिस्कस करने का काम बस करना है तो फिलहाल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सीएमए फाउंडेशन रिविजन फॉर मैथ्स आफ्टर मैथ्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अकाउंट्स देन इकोनॉमिक्स के एमसीकू इस प्रकार से करेंगे ठीक है तो ये तुम्हारा नौ से दस चलेगा और ये सारे लाइव स्ट्रीम्स स्ट्रीट्यूब में होने वाले सबके सब पूरा यूट्यूब एक्सक्लूसिव होने वाला है वो तो सबके सब, सब लाइव स्ट्रीम यूट्यूब में होंगे पहले से लिस्ट रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई इतने इतने टाइम पे ये सारे सेशंस से से होने वाले हैं ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटर वाला जो भी बच्चा है मैं आपको बोल रहा हूँ इस सेशन से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है राइस फॉर यू इन द एग्जाम बिकॉज हमारा एग्जाम ऑनलाइन तो हमको टाइपिंग स्लो सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है पहले वर्किंग लोड पे कर रहे हैं फिर उधर उस सिचुएशन में जैसे मान लो कि मैं मेरी टाइपिंग स्पीड एकदम ही बकवास है मैं कीबोर्ड ही नहीं छुआ कभी जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं बट मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूँ उस सिचुएशन में फाउंडेशन से करते आ रहे अपने वन मार्कर के जो एम सी क्यू स्टिक टिक, -टिक करके आने हैं एक वर्ड या एक एक स्टेटमेंट का आंसर लिख के आना है वो चीज हमको दो जगह से हेल्प करेगी एक तो ये कि हम लोग एम सी क्यू टाइप के सारे क्वेश्चन ही कर लें क्योंकि वही वन मार्कर बन के आएंगे या एम सी क्यू होंगे या फिर हम लोग थ्योरी अच्छे से कर लें तो थ्योरी के लिए मैंने आपको जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी जो थ्योरी एक, जो अपन बोलते हैं कवरेज कर रहा हूँ सारी थ्योरी डाल दी है पूरी थ्योरी डाल दी है और फिफ्टी वन पेज का हमने नोट्स बना दिया प्रिंट करा के रखे रहो ठीक है उससे आपको पूरी थ्योरी करनी है और एक चीज किसी भी दिन संडे को मैं थ्योरी का एक सेशन लूंगा जिसमें जो चैप्टर वन की थ्योरी है वो तो मैंने करवा दी एक वीडियो में खत्म वो आप जाके देख सकते हो एक वीडियो में पूरी थ्योरी खत्म करा दी चैप्टर की उसके अलावा जो बची हुई थ्योरी है बाकी चैप्टर्स की लेबर में हो गया आपका मटेरियल में हो गया ओवरहेड्स में हो गया ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इंटीग्रल नॉट इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बजेटरी कंट्रोल ये सब जो चैप्टर हो गए उसकी थ्योरी एक ही दिन में खत्म करेंगे पूरा चाहे जितना भी देर लगे बट एक दिन में बहुत ज्यादा थ्योरी इन चैप्टर्स में होती नहीं है एक्सेप्ट लेबर और क्या बोलते हैं मटेरियल में होती है थ्योरी और वो आती भी एग्जाम में तो वो वाली हम लोग करेंगे और बाकी सब चैप्टर की जो भी मेरी जो थ्योरी वाली बो रहेगी शीट उसी का प्रिंट आउट निकाल के रखे रहना उसी से करने वाले किसी भी दिन संडे को हो सकता है अपकमिंग संडे को ही हम ये चीज ये कार्यक्रम को हम लोग इंप्लीमेंट कर दे आदि के बाद समझ में तो अभी मेरा पूरा फोकस इंटरमीडिएट वाले बच्चों पर होने वाला है बिकॉज पॉइंट सिर्फ इतना सा है पिछले बार बहुत सारे बच्चों का भाई अटेम्प्ट लगा है बहुत सारे बच्चों का क्यों रीजन बता रहा हूँ रीजन ये नहीं था कि उनको आती नहीं थी चीजें उनको आती थी उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन डायरेक्शन गलत था डायरेक्शन भी गलत था और एग्जाम की प्रिपरेशन करने का तरीका भी गलत था तो इस बार उसी चीज पे वर्कआउट कर रहा हूँ एमसीक्यूज कर रहा हूँ फोर्टी सिक्योर करेंगे थोड़ी पे फोकस कर रहा हूँ दस मार्क्स और ले लो पचास मार्क्स इधर हो गए फिर न्यूमेरिकल तो है ही अपना स्ट्रॉन्ग फास्ट्रेग डॉ का वो देखो फटाफट एक एक घंटे वाली जो रिवीजन की वीडियोस है उसको देखो समाप्त करो सिलेबस इस प्रकार से इंटर का लेके चलेंगे साथ के साथ फाउंडेशन का ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो फाउंडेशन वाले बच्चे वहां से रेफर करते हुए चलेंगे और रिविजन तो हम लाइव में करवाए रहे तो फाउंडेशन वाले बच्चे जो भी हैं मेरे से लाइव मिलना तुम लोग डेली नौ बजे ठीक है रात को नौ से दस वाले सेशन में और इंटर वाले बच्चे आप मेरे से इन तो, टोटल दो बार मिलोगे आप डेली ठीक है तो इंटर का ये फोकस रहना चाहिए क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ बात हम यहाँ पर कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड ठीक है कई कई बार तुमको ऐसा भी फील आएगा भैया आप आपका जो मटेरियल था उसमें से उठा के क्वेश्चन चिपका के दे रही इंस्टीट्यूट ऐसी भी फील आएगी आपको कई बार बिकॉज रीजन वही सिंपल है पी का रेफरेंस लिया गया है बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा वाई क्यू ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है हर चीज़ इफ़ द थिंग्स आर प्रॉपरली पैक्ड बाय रिसर्च द थिंग्स इज गोइंग टू गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट और कोई भी चीज रैंडम नहीं करते हवा में तीर नहीं मारते आ रही क्या बात समझ में यस yes, तो इस प्रकार से चीजें करेंगे और बाकी ये सब चीजें जब टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो और अगर टाइम बचेगा तो आगे की चीजें प्लान आउट करेंगे बट अभी इस स्टिक रहते हैं कि हाँ किसी भी दिन संडे को बैठ के एक थ्योरी सेशन कर लेंगे जिसमें कॉस्टिंग की थ्योरी कर लेंगे पावर बैंक सीरीज आपके अकाउंट्स की चलेगी पहले उसके बाद कॉस्टिंग की चलेगी और उसके बाद अगर तुम सोच रहे हो कि भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी थ्योरी थ्योरी वाला पोर्शन का करवा देना तो उसके बारे में भी मैं अभी सोच रहा हूँ ठीक है जो तुम बोल रहे थे भैया एक और ऐसे ही नोट्स बना दो अकाउंट्स का भी तो वो अकाउंट्स की भी थ्योरी थ्योरी नोट्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ बट स्टिल अभी इन चीजों पे फोकस करते हैं जो करेंटली है साथ के साथ पार्टनरशिप सेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेंड करो अब हम लोग गुडविल वैल्यूएशन पे पहुंच चुके हैं इफ यू आर नॉट अवेयर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट इंस्टीट्यूट डायरेक्टली फोर मार्क्स में गुडविल का क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का तो गुडविल में हम पहुंच चुके हैं अभी तक जो फंडामेंटल था बट अब गुडविल के बाद अभी तक पोर्शन चल रहा था वन मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था वन मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे थे बट अब गुडविल चलेगा पी चलेगा फिर तो एडमिशन में एंटर हो जाएंगे गुडविल पी के बाद एडमिशन में एंटर हो जाएंगे तो वो चीज है तो उसको आप लोग लाइव अटेंड करो और लाइव जो तो मजा है वो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड नहीं मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बट स्टिल गाइस आई रिकमेंड यू टू अटेंड लाइव बाकी सब आपकी तो ये तुम्हारा शेड्यूल में कुछ चेंजेस था बाकी आपकी कोई भी भावना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल मिलते हैं अगले वीडियो में बेसिकली लाइव सेशन में तब तक ली गॉड ब्लेस यू टेक केयर एंड बाय बाय